आप देख रहे हैं सिर्फ एक्सेल हर लम्हा पर जोश, प्रेजेंटेड बाय आईसीआई ड्यूलिक्स, पावर्ड बाय सनसिल्क, ब्रॉट टू यू बाय डब्ल्यूबी बाय हिमानी एंड सपोर्टेड बाय माइको। जुनेद भाई हमारे साथ हैं, जरा कुछ मासूमाना खेल खेलते हैं, बढ़ते हैं मासूमाना ओवर की पहली गेम की तरफ। ये आदि भाई ने कुछ सवाल बनाया आपके लिए, कुछ हमेशा यही बनाता है। हाँ हमेशा यही बनाता है, एक ही तो जिम्मेदार इंसान है बनाने की। हाँ सो ये पहली गेंद है, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स आपने फिल कर रहे हैं, ठीक है जी। ओके जुनेद खान ने आदि साहब से, बेसिकली मैं एक डैश किस्म का इंसान हूँ, इमोशनल, इमोशनल। ओके आप जो चाह रहे थे वो जवाब नहीं आया, अच्छा हुआ। अल्लाह ना करे कि मैं कभी डैश किस्म का इंसान बन जाऊं, पॉलिटिशियन की तरह बन जाऊं। ओके मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सपोर्ट डैश है, मेरी फैमिली है। ओके मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट डैश है, मेरा गुस्सा। ओके अच्छा ज्यादा ज्यादा गुस्सा कभी कभी आ जाता है। अभी सवाल जैसे किया देखा नहीं, इसमें आया तो गुस्सा है। जो लड़के नहीं सिलेक्ट हो रहे थे भाई वसीम जी सर, नियाजी भाई बातों बातों में धमकी भी दे गए। हाँ कभी ऐसा हुआ कि सेट पे अचानक कोई ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई हो, बाद में आपको रिग्रेट हुआ हो कि यार ये मैं क्या क्या ऐसा हुआ है, किया मैंने यार ये। कई बार ऐसा हो जाता है कि कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर ये होता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी उसको सॉल्व कर लिया जाए, माफी तलाफी हो जाए, खत्म कर दिया जाए, इस बात को खत्म कर दिया जाए, लेकिन ऐसी चीजें हो जाती हैं। कभी जहाँ गुस्से में मोबाइल तोड़ा है? नहीं नहीं, अपनी चीज को तोड़ता है। किस बात का? कैलकुलेटेड गुस्सा है। कभी गुस्से में दिल तोड़ा है? दिल टूटते बहुत ज्यादा। अच्छा दिल टूटते रहते हैं। ओके मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी डैश है, खुशी मेरा काम है। ओके कराची में बारिश का मतलब है? सहमत है, कराची नेमत तो नहीं है, सहमत ही है, सहमत है। ओके मुमकिन है कि लोग आदि को डैश समझते हो मगर वो डैश है। मुझे लग रहा है दोनों में कोई बेइज्जती होने वाली। इसको फनी समझते हो लेकिन ये है बहुत फनी। अच्छा लेकिन फनी ही बचा है। लिया मैंने आज, बचा लिया आज, मैंने बचा लिया इसको। ये कपड़े फाड़ता है लोगों के आगे, सेटों पे आगे। झगड़ा? नहीं नहीं वैसे ही मजाक में, मजाक में। आप मुझे मजाक है? अच्छा देखा नहीं है आपने? आई एम सॉरी भाईजान, ये कैद थे नीचे स्टूडियो तमाशा में, तमाशा में ये संसार ने हमारे कपड़े फाड़े आके, क्या बड़ा अफसोस, छुरी लेके मजा आ रहा था। अच्छा वो किसी के थे ना? आपने नहीं, मेरे हाथ में छुरी आया तो फिर मैं फाड़ ही देता हूँ जो चीज हाथ में है ना, कपड़े वपड़े जैकेटे सब बराबर वाले। क्योंकि आदि है और इनके दोस्त फैजान आपके साथ को कंटेस्टेंट थे, तो आदि और फैजान डैश है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। ज्यादा अच्छा कौन है? क्योंकि इनके ये जो अपना शो करते हैं, इसमें जब भी जाते हैं कोई भी गेस्ट तो उसे पूछते हैं कि हम दोनों में ज्यादा बेहतर कौन है बताओ। फैजान के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया है तो मैं इसको जानता हूँ अच्छे से, तो वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जितना मैंने सुना है इसके बारे में फैजान से तो ये उतना ही वैसे ही उतना भी अच्छा ये भी है। बेसिकली आप जवाब समझ गए होंगे ना क्या कहना चाह रहे हैं, हम समझ गए होंगे। तमाशा का सबसे बड़ा तमाशा आइटम यानी जो कंटेस्टेंट सबसे बड़ा वो डैश था या थी? नेहा। नेहा ओके और तमाशा में काम करने का तजुर्बा डैश था? बहुत अच्छा था। अच्छा था ओके बहुत अच्छा था। मेरा फेवरेट शेर डैश है, आपने अपना फेवरेट शेर सुनाना है, फिर ये भी सुनाएंगे और ये भी सुनाएंगे। शेर कौन सा फेवरेट है? शेर नहीं है फेवरेट मेरा। नहीं नहीं वो इनका वाला शेर सर, ये देखें यहां, ये शेर है। अब मैंने कुछ नहीं बोला, ये खुद देखें यहां से। अब खैर नहीं है, ये वाला शेर तो जॉबलेस है, जॉबलेस है ये। वो कह रहे हैं मुझे शेर बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो नियाजी, ऊपर से गुस्से वाला, ऊपर से क्रिकेटर, ऊपर से क्रिकेटर और ऊपर से हैंडसम, हैंडसम। ये बड़ा लीथल कॉम्बो है जी। हाँ तो सर लेकिन यानी पोइट्री, पोइट्री आपने अपना फेवरेट शेर सुनाना है, आपने अपना और आपने अपना। फिर ये जो ऑडियंस है आज जरा कम आई है, आज सिर्फ 8-10 लाख लोग ही आ सके, वरना 30-40 लाख लोग। लेकिन वो फैसला करेंगे कि किस। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है हाँ। कि 10 लाख मर्द 7 मर्दों के लिए तालियां बजा रहे। सही बात, बकरा मंडी टाइप फीलिंग आ रही। तो भाई आप इरशाद इरशाद कहें तो शेर इरशाद, इरशाद
अरे अरशाद नाम ही नहीं, जुनेद नाम है। नहीं नहीं सर, वो शेर के पढ़ते ना इरशाद, अर्ज करे। हाँ उसको देखा तो मैं समझा कि हो सकता है, वाह, उसको देखा तो मैं समझा कि हो सकता है एक शख्स भी पूरी दुनिया हो सकता है। वाह वाह वाह। उसको देखा तो मैं समझा हो सकता है एक शख्स भी पूरी दुनिया हो सकता है। वाह 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 वाह। और इनका लीडर रो सकता है सर, सियासी बात नहीं कर रहे ना वो भी देखे। हाँ तो अर्ज किया है, वो भी कुछ जवाब दे देंगे। वोट भी चोरी हो सकता है, देख लिया बस। अच्छा हम क्या करें, वोट भी चोरी हो सकता है, अच्छा खासा आदमी जॉबलेस भी हो सकता है। मैं इस इल्जाम को नहीं मानता हूँ। वोट तो 2018 में भी चोरी हुआ है। ये मसला भी है। आप हमारी तरफ से खेलना शुरू कर दे भाई जान। मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपकी तरफ से नहीं खेल सकता सर। इल्जाम अल्जाम नहीं, अल्जाम इल्जाम। अच्छा मैं किसी दिन फुर्सत से आपसे इमला सीखने आया। नहीं नहीं सर, मेरा मतलब ये नहीं, मैं वैसे बता रहा। आप और अकरार जो है, इकरार, इनको उर्दू का एक घमंड हो गया है। नहीं अल्लाह माफ करे, घमंड नहीं उनको होगा, मैं तो नहीं। उनके पास घमंड करने की और भी एक दो तीन वजूहत है, मेरे पास तो एक भी नहीं है सर। सर आज मैं जो शेर लाया हूँ वो मैंने कहा कि उर्दू में तो बहुत शेर व शायरी होती है, क्यों हम खाली कराची की मार्केट को केटर कर रहे हैं। आज मैं पंजाबी में शेर लेके आया हूँ। ओहो क्या बात कर रहे हैं, तुसी पंजाबी में गल कर सकते हो? कर सकना, लेकिन कदी कदी निकल भी जाती है। कि जड़ो तुसी पंजाबी में गल नहीं कर सकते, तो फिर शेर कड़ो सुनाओगे? मेरी भी खत्म हो गई। मैं कोशिश करना के सुना जावा करना के अल्लाह पाले के कहंदे ने के तेनू प्यार करा क्या मेहंदी हो रही है ये कौन सी शायरी का म्यूजिक है? कहंदे ने के एना तेनू प्यार करा के गाने सुनावा, एना तेनू प्यार करा, प्यार करा के गाने सुनावा। हाँ। आ तेनू डांस करावा, तेनू रोज नचावा, आ तेनू डांस करावा, आ नीजा। आरिफ लोहार साहब का ये गाना। क्या गुजरी होगी आरिफ लोहार साहब पे सुन गया। आरिफ लोहार साहब का चिमटा ले लो तो फिर ऐसे शेर निकलते। सर अब बड़ा जी मुकाबला है, ये अर्ज किया है जी। आप पंजाबी में सुनाएंगे या मैं? जी उर्दू के अंदर सर। उर्दू उर्दू हमारे यहाँ जबर लगती है बस खत्म। आप क्या जबरदस्ती तो है लेकिन जबर लगती भी है, मुझे नहीं पता था। बस आज जो आप मुझे अकेले पाके सारे जमघटे के साथ आपसे मोहब्बत है अर्ज किया है कि मैंने कभी प्यार में कमी नहीं होने दी। वाह वाह। अच्छा मैंने मेरी जान कभी प्यार में कमी नहीं होने दी। हाँ। बेबी डॉल में सोने दी। ये समझ नहीं आया दोबारा प्लीज। क्या मैं जब से हारा हूँ मैं गाने और शायरी मिक्स कर सब मिक्स कर दिया। आप किसी दिन चाट खिलाता हूँ मैं मिक्स। क्या नहीं मुझे नहीं खाने थे, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अब मैं लोगों से पूछता हूँ कि अब बड़ा आपके आपके कंधों पे बहुत नाजुक जिम्मेदारी है। आपने सही उम्मीदवार का इंतखाब करना है, इसकी बुनियाद पर आपका मुस्तकबिल है। ठीक है जी, तो जिनके आप तालियां बजाकर आप बताएंगे जिनके ख्याल में सबसे अच्छा शेर इन्होंने सुना है वो तालियां बजा दें। जिनके ख्याल में इन्होंने सबसे अच्छा शेर बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरी बात हुई हुई थी आपकी बात मेरी गल हुई थी नहीं ये देख लो क्या। और इनके देखें नतीजा बहुत वाजे है, आज की शायरी के विनर है राणा साहब, बहुत सारे धन्यवाद। नहीं 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 यहाँ भी ये दोबारा सुनाए जरा मुझे समझ नहीं लगी भाई। हो गए भाई वैसे जितना क्या बात है सुनील भाई छा गए भाई। वैसे आज ऑडियंस में जितने मर्द बैठे हैं ऐसा लग रहा है पहिया जाम हड़ताल हो रही है भाई। सुनील भाई छा गए, सुनील भाई के लिए तालियां बजा देते हैं। सुनील भाई आज जितनी आवाम आई हुई है 10 लाख
इनसे हमने एक सवाल किया, ठीक है, और इसके इन्होंने जाहिर है हर बंदे ने अलग अलग जवाब दिए, बिल्कुल, जो चार जवाब सबसे ज्यादा है डिफरेंट पॉसिबिलिटीज वो हमने यहाँ नोट डाउन कर लिए हैं, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूँ ताकि पता लगे आपका आवाम की नब्स पे कितना हाथ है, आपके जवाब और इनके जवाब कितने मैच करते हैं। द फोरम इज ओपन टू डिस्कशन, आप किसी से भी जो है ना राय मशवरा ले सकते हैं, नहीं इनसे भी ले सकते अगर आप चाहें तो। आप उनको मशवरा देना चाहेंगे? मैं जरूर देना चाहूंगा, और मैं तो चाहता हूँ कि ओपोजिशन के साथ मिलकर, और मैं राणा साहब से बिल्कुल नहीं लेना चाहूंगा सर, चलो आई एम सॉरी। चलो भाई दिखाएं ये सवाल क्या है, सवाल दूसरी गेंद का सवाल है, दूल्हे कौन सा लिबास पहनना पसंद करते हैं किस टाइम पे? दूल्हों वाला शादी के टाइम पे, और मतलब जाहिर सी बात है कौन सा दूल्हों वाला। आपने अपनी आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया माशाल्लाह? तकरीबन कोई तकरीबन कुछ 40 साल हो। अच्छा आपने क्या पहना था शादी में? हमारे दौर में तो फैशन था ही नहीं, तो मैं शलवार के ऊपर जाली वाला बनियान पहन के गया। ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन बन। आपने क्या पहना था बासित भाई अपनी शादी में? कमीज शलवार। आपने क्या पहना था? कमीज शलवार। आपने क्या पहना था? शलवार। उन दिनों ना गर्मी बहुत ज्यादा थी, जब मेरी शादी हुई ना जून का महीना था, कराची लाहौर, लाहौर मेरी शादी लाहौर हुई। अच्छा आप शादी के बाद कराची गए फिर अब दोबारा लाहौर चले गए? नहीं मेरी शादी, मेरी वाइफ भाभी लाहौर से है। अच्छा शादी लाहौर हुई थी, ओके ओके। सो और आपने क्या मेरा शेरवानी? आपकी तो शादी हो गई क्या? नहीं नहीं ये इन्होंने सोचा हुआ है यार, आप पूछते नहीं ना, आपने इतने कॉन्फिडेंस से पूछा मुझे लगा मेरे दो बच्चे भी हैं, ऐसे पूछो नहीं ना मुझसे। तो भाई कौन सा जवाब लॉक करें? चार जवाब आते हैं तो आई थिंक इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, अब देखते हैं। शेरवानी, शेरवानी, शेरवानी लॉक करें, शेरवानी लॉक करें, शेरवानी लॉक करें, सुबह निकालेंगे। नहीं नहीं जवाब लॉक करें भाई, बताएं इस चार में शेरवानी है कि नहीं है शेरवानी? ओके सर, वैसे शेरवानी का सुन के आपके दुख तो ताजा नहीं हो गए? बस क्योंकि आपके लीडर ने शेरवानी पहनने का मूड रखा। हाँ हमने तैयारी तो कर ली थी कि अचकन जो है वो सलवार है, शेरवानी को अचकन भी कहते हैं। अच्छा ये मैं आपके इलम में इजाफा कर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सही है, शेरवानी में भी शेर आता है देखें, लेकिन वो सही। और क्या हो सकता है? कमीज शेरवानी, प्रिंस कोट, प्रिंस कोट। अच्छा ओके, भाई ये बताए सलवार कमीज और कमीज सलवार में क्या फर्क होता है? नहीं कोई फर्क नहीं होता, शलवार कमीज में पहले शलवार पहनते, कमीज शलवार पहले कमीज पहनते। मैं आपको दावत देता हूँ कि आप हमारी जमात में आए। अरे क्या हो रहा है? वो कह रहे हैं प्रिंस कोड। भाई प्रिंस कोड है इन चार में, अगर है तो डब्बा खोल दे वरना क्रॉस लगा दे। आवाम ने जो बताया से प्रिंस कोड है या क्रॉस है बता दे भाई। ओके प्रिंस कोट नहीं पहन रहे भाई, कामरान भाई वाला वेस्ट कोट पहनते हैं। आपने वलीमे में प्रिंस कोट पहना था जी? अच्छा जो आपने पहना था? मैंने पहना था बिल्कुल, और क्या हो सकता है? शलवार कमीज, वो जो सर के ऊपर एक नहीं होता वो गुल्ला। सर नहीं ये इसकी बात हो रही है लिबास की ना, शलवार कमीज वो साथ आता है सर, वो नहीं आ रहा ना साथ। कुर्ता ट्राउजर, कुर्ता ट्राउजर कमीज शलवार कैसे? जैसे आप अभी, जैसे आप अभी ऐसे ऐसा। नहीं नहीं मैं तो शादी तो नहीं मेरी अभी। नहीं 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 आप तो हर चीज में अच्छे लगते हैं बगैर। दिखाया भाई कमीज शलवार है इसमें या नहीं है? ओके सर कौन सा एक रह गया आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में बी रह गया है। बी सर पता है बी रह गया है? बी के अंदर क्या है मेरा मतलब? बी के अंदर क्या है भाई? क्या है बी के अंदर? कोट, कोट तो यार बी रह गया, क्या हो गया? पेंट कोट भाई बताएं, पेंट कोट है? आज तो आप भी माशाल्लाह दूल्हे मियां लग रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आज बर्थडे है ना? हाँ वही शर्म आ रही है, ब्रेक लेना, ब्रेक क्यों आ रहा है।